कल देर शाम मुंबई एयरपोर्ट का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें हवाई अड्डे पर यात्री टरमैक पर खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बैठक बुलाई, जिसके बाद MOCA के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीते कई दिनों से घने कोहरे के कारण कई हवाई यात्राओं पर प्रभाव पड़ रहा है। न सिर्फ हवाई उड़ाने बल्कि ट्रेन के सफर करने वाले यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे और बेहद कम विजिबिलिटी की वजह से उड़ानें कई घंटों की देरी से चल रही हैं। ऐसे में यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर बिताने पड़ रहे हैं। इसी बीच कल देर शाम मुंबई एयरपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक तरफ इंडिगो का एक प्लेन खड़ा है और नीचे टरमैक पर सभी यात्री जमीन पर बैठे हैं। यहां यात्रियों को खाना दिया जा रहा है तो कुछ यात्री आराम फरमा रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल आधी रात को मंत्रालय के सभी अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की, जिसके बाद आज MOCA के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि इंडिगो और MIAL दोनों की स्थिति का अनुमान लगाने और हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए उचित सुविधा व्यवस्था करने में सक्रिय नहीं थे। विमान को एक रिमोट बे C-33 अलॉट किया गया था। इसके अलावा यात्रियों और आराम करने के लिए टर्मिनल पर वेटिंग रूम और जलपान जैसी बुनियादी सुविधाएं भी ढंग से नहीं मुहैया कराई गई, जिसने यात्रियों की परेशानियों को और बढ़ा दिया। ये पूरी तरह से एयरपोर्ट की गलती है और उन्हें इसका जवाब भी जल्द से जल्द देना होगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होने के बाद एयरपोर्ट स्टाफ में हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि घंटों की देरी की वजह से यात्री टरमैक पर खाना खाने और बैठने को मजबूर हो गए थे। इस मामले पर मुंबई एयरपोर्ट ने कहा कि खराब मौसम के कारण फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया था। इससे नाराज होकर यात्री प्लेन से बाहर निकल आए। आपको बता दें, मामले पर एयरलाइंस ने माफ़ी मांगी। एयरलाइंस ने कहा कि हमें इस असुविधा के लिए खेद है और आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारा इरादा अपने यात्रियों की यात्रा को बाधित करने का कभी भी नहीं था। हालांकि कभी कभी कुछ परिचालन कारणों से ऐसी देरी एयरलाइंस के नियंत्रण से भी बाहर होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।